जय सियाराम दोस्तों, मैं मंजू बिष्ट प्रकृति प्रेमी अपना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गांव में हरी सब्जी, जो आजकल अप्रैल मई में सब्जियां होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि मूली के पत्ते वगैरह हो गए और उगो हो गया, उगो पालक वगैरह, जैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक हरी सब्जी होती है उगो और उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है प्याज के साथ, और ऑर्गेनिक है बिल्कुल गांव में, जो कि कोई केमिकल वगैरह सब्जी जो बोते हैं उसमें नहीं डालते हैं, ऑर्गेनिक होता है बिल्कुल। गाय भैंसों का गोबर की खाद बनाई जाती है तो बहुत ही अच्छा स्वाद होता है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी उगो क्या होता है। पहले तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी उगो। तो फ्रेंड ये है उगो, छोटे छोटे इसकी, अभी इसको जैसे कि यहाँ से इसको तोड़ देंगे और इसमें से फिर दोबारा आएंगे, इसमें दो दो तीन अंकुर आ जाएंगे और अच्छा सा पेड़ और बड़ा हो जाएगा और अच्छे इसमें अच्छा आने लगेंगे, और भी ज़्यादा मात्रा में इसमें दो तीन टहनियाँ आ जाएंगी तो और सब्जी अच्छी आएगी इसमें। तो पापा जी ने तोड़ दी है रात भर के, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये तो मूली वगैरह है और मूली अभी खाने लायक नहीं है, अभी तो बहुत छोटी है, सारे में इधर ये मूली ही मूली है, छोटी छोटी जो दिख रही है सारी मूली है। तो फ्रेंड ये है उगो जो मैं कि मैंने तोड़ी है अभी, और बहुत सारी तोड़ी है पापा जी ने, और आप लोगों को दिखाती हूँ, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। आज बनेगी उगो की सब्जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई इसमें केमिकल नहीं होता है, और गाय के गोबर की इसमें खाद डाला जाता है, खुद खुदाई करके पापा जी ने अब खुद अपने हाथों से उगाई है। आज इसकी यम्मी सब्जी बनेगी, देखें आप कितनी ज़्यादा मात्रा में पापा जी ने ये निकाला है। और जब हम आए थे उससे पहले पापा जी ने बोए तो उस दिन हुआ नहीं था ये, और आज देखें कितना अच्छा हो रखा है ये। तो फ्रेंड अब मैं काटूंगी हरी सब्जी, और मम्मी ने प्याज और लहसुन काट के रख दिया है, इसमें और कुछ नहीं मिलाएंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड मैंने ये काट दी है बिल्कुल बारीक, और हरी सब्जी हमारे शरीर के लिए कितनी लाभदायक है आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं, और इसमें आयरन कैल्शियम वगैरह कई चीज़ें, प्रोटीन वगैरह कई चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और लाभदायक भी हैं। तो ये है हरी सब्जी उत्तराखंड में अभी अप्रैल मई में उगने वाली हरी सब्जियाँ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, खुदाई करो फिर वो और खाद वगैरह डालो। और एक खाद और मैंने देखी यहाँ पे, जो कि जैसे हम आग जलाते हैं और उसका लकड़ी का जो लकड़ी से जो हम आग जलाते हैं उसके बाद कोयला से जो राख बन जाता है उसको भी खेतों में डालते हैं, वो भी मतलब खाद का काम करता है, राख जिसको बोलते हैं, राख लकड़ी वगैरह की जो राख होती है उसको, वो भी खेतों में डाली जाती है और वो भी खाद का काम करता है पेड़ों के लिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है उससे, काफ़ी अच्छा पेड़ों को खाद मिलता है उससे। तो मम्मी ने काट दिया है प्याज और लहसुन, मम्मी ने पहले ही काट के रखी है, तो अब मैं बनाऊंगी हरी सब्जी उगो की हरी सब्जी। तो फ्रेंड आज बन रहे हैं गोहूं के डुबुक और उगो का टपकी। अब मैं पीसूंगी गोहूं, गोहूं की डुबुक भी बनाऊंगी। ये होते हैं गोहूं, सिल में पीसूंगी मैं गोहूं। तो फ्रेंड बन चुके हैं हमारे गोहूं के डुबके, और डालेंगे हम ऑर्गेनिक खुशबूदार धनिया इसमें। अब लेंगे हम गोहूं के डुबकों का आनंद। ये सबसे पहले खाना पापा जी के लिए, पापा जी बाहर से बैठ के खाते हैं, पापा जी को खुले आसमान के नीचे खाने में बहुत आनंद आता है। पहाड़ी किचन में आप सबका स्वागत है मम्मी के साथ। और अब बन चुके हैं डुबके और ये कप और ये भात, और मम्मी ने बनाई है खीर जो कि बहुत यम्मी दिख रही है अभी।
इजा कस लागणो पति के आज भल लागण से बहुत बढ़िया। आजकल मुझे मम्मी पापा का साथ मम्मी पापा के सेवा करने का मौका मिला है और अपने माँ बाप की सेवा कर रही हूँ। आजकल अच्छे अच्छे व्यंजन बना के उन लोगों को खिला रही हूँ और मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। और ऐसी सेवा मैं अपनी सास की भी करती हूँ, इसीलिए तो मेरी सास अभी तक बहू से ज़्यादा स्मार्ट दिखती हैं। ऐसे नहीं कि मैं मम्मी पापा का ही सेवा करती हूँ, सेवा मैं अपने सासू जी का भी करती हूँ और इसीलिए मेरी सास भी अभी बहुत स्मार्ट हैं, स्वस्थ हैं। तो आइए आप लोग भी आनंद लें और मैं भी आनंद लेती हूँ। तो धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्या राम। जय हो भगवती माता की। जय मम्मी भी आप सभी को प्रणाम कर रही है, जय श्या राम कह रही है। बहुत ही अच्छा बन रखा है और कप मिलाऊंगी इसमें। ये है गोंद के डुबुक, बहुत ही स्वाद जो कि बहुत वाला रुपये जाए। दाल भात भात तो खाने नहीं है। स्वाद हो रहा बहुत ठीक है। हम खा रहे अंदर खाना और चिड़िया भी आगे मांगने के लिए मैंने उनको चावल दे दिए और खूब सारे खा के चले गए हैं। और पेड़ में हो रही टरबराट और चिड़ियों के आने के लिए। अंदर ही आ जाते हैं, साथ में ही खाने के लिए बैठते हैं। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मौसमी के पेड़ में गुड़हल का फूल। ये है मौसमी का पेड़ और ये है गुड़हल का फूल। हवा भी चल रही है अच्छी सी। अमेजिंग है, अमेजिंग। मौसमी के पेड़ में गुलाब का फूल, नहीं गुड़हल का फूल। पहले नवरात्रे के दिन ही शाम के टाइम झमाझम बारिश। कितना अच्छा मौसम हो रखा है अभी।